CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। हम बहुत खुश हैं इस सुबह आप हमारे साथ जुड़े हैं। जी बिल्कुल, नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में। और दोस्तों, मेंटल हेल्थ सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं पेरेंट्स के बारे में, उन पेरेंट्स के बारे में जिन्हें परमेश्वर ने स्पेशल बच्चे दिए हैं, विशेष बच्चे दिए हैं। इनका पालन पोषण आसान नहीं होता, बच्चे पूरी तरह से माँ बाप पर निर्भर होते हैं। ऐसे में पेरेंट्स बहुत ही बहुत सारी प्रॉब्लम से गुजरते हैं जो इनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर लाती हैं, एंड बहुत निराशा होती है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं जिसका मन पे बहुत असर होता है। ऐसे में पेरेंट्स के लिए स्ट्रॉन्ग बनना, मजबूत बनना इतना आसान नहीं होता। यस रेबिका, बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं ये शब्द ही सोच रहा था ना, स्पेशल, कितना खूबसूरत शब्द है ये, स्पेशल, अनोखा। और कभी कभी ऐसा होता है रेबिका कि परमेश्वर हमको ऐसे स्पेशल हालातों में डालते हैं या ऐसी स्पेशल चीज़ें सौंपते हैं। और शास्त्र कहता है कि बच्चे भी परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है जी। और उन माँ बापों से हम कहना चाहते हैं, अगर आपके स्पेशल चिल्ड्रन हैं, कि परमेश्वर ने आपको बिल्कुल स्पेशल तोहफा दिया है। और आज हम यही देखेंगे कि कैसे आप मजबूत हो सकते हैं उनकी परवरिश में और कैसे उन्हें प्रभु के तरीकों में आप बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, और हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में आप जानेंगे कि आप ही स्पेशल हैं, स्पेशल पेरेंट्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन जिन्हें परमेश्वर ने चुना है ताकि आप इन बच्चों की देखभाल करें और इनके जीवन से परमेश्वर कुछ अद्भुत कर रहे हैं, भलाई लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों, आज बुधवार है और इस महीने से हर बुधवार हम भारत देश के अलग अलग प्रांतों के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम आपको ले जा रहे हैं छत्तीसगढ़ विद इट्स यूनिक एंड कलरफुल कल्चर, जो भारत के मध्य भाग में स्थित है। और आइए दोस्तों, इस समय हम चलें भारत के इस ऐतिहासिक और सुंदर प्रांत में और सुने इस मधुर गीत को, वंदना करते हैं हम, जो गाया गया है छत्तीसगढ़ी भाषा में। वंदना करो प्रभु तो, वंदना।
थैंक यू वेरी मच डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट चर्च बिलासपुर की कॉयर, आपने इतना अच्छा गीत गाया परमेश्वर की स्तुति आराधना के लिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। इस कितना अच्छा लग रहा है रिबेका, भारत के अलग अलग भाषाओं में हम प्रभु की जय जयकार कर सकते हैं क्योंकि परमेश्वर हर भाषा को समझता है और हर स्तुति और आराधना का आनंद लेता है। ठीक, बहुत अच्छा लगा कि एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हमने ये खूबसूरत गीत छत्तीसगढ़ी भाषा में सुना। और दोस्तों, अगर ऐसे ही गीतों को आप सुनना चाहते हैं या छत्तीसगढ़ी कंटेंट को आप सुनना चाहते हैं एंड यू वांट टू बी ब्लेस्ड, आप ज़रूर हमारे CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जाएं और वहां पर आप ऐसे ही गीतों को और ऐसे ही संदेशों को छत्तीसगढ़ी भाषा में आप सुन सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खास विषय पर बात कर रहे हैं और वो है कि कैसे एक स्पेशल चाइल्ड के पेरेंट को मजबूत होना है मानसिक रूप में और वो कैसे मुमकिन है। आज इसी विषय को हम और करीब से देख रहे हैं। जी दोस्तों, और इसी विषय को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं लकी और उनके पेरेंट्स रेनॉल्ड और अंजना लाल से। एक परिवार के रूप में कैसे उन्होंने अपने स्पेशल बच्चे की परवरिश की, किन किन परेशानियों का सामना उन्होंने किया, आज हम देखेंगे उनकी ट्रू एंड इंस्पायरिंग स्टोरी जो आपके लिए लेकर आए हैं हमारे प्रोड्यूसर राजीव अमित सिंह छत्तीसगढ़ से। पहले बच्चे के आने की खबर से रेनॉल्ड और उनकी पत्नी अंजना का पूरा घर खुशियों से भर गया था। हमारे बीच में हमारा पहला बेटा लकी आया और वो पूरे मैच्योर टाइम में था और किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो नॉर्मल डिलीवरी हुई। उस समय में हम लोग बहुत खुश थे और मेरे साथ साथ हमारा पूरा परिवार बहुत आनंदित था। लेकिन रेनॉल्ड और अंजना के लिए ये खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रह सकी। इसी बीच में 2-3 दिन के अंदर ही उसको जॉइंडिस हुआ और फिर उसकी हालत थोड़ी सी क्रिटिकल हो गई और वो 6-7 दिन कोमा में चला गया और इस प्रकार से करीब 1-1.5 महीने तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहा। लकी ठीक होकर घर आ गया था लेकिन उसमें उसके माता पिता ने कुछ अलग ही बदलाव देखा। कुछ 2-3 महीने के बाद ऐसा कुछ पता लगा कि वो कुछ नॉर्मल नहीं है, जिधर हम उसको दिखाते हैं वो उस तरफ देखता नहीं है और कुछ रिप्लाई भी नहीं करता है। डॉक्टर को दिखाया, फिर दिल्ली में जब उनको दिखाया एम्स में और सफदरजंग हॉस्पिटल में, तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा जो है आपका सेलिब्रल पैल्सी है इसको, और इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जब उन्होंने हमको ये बताया तो हम लोगों के आँखों के सामने अंधेरा छा गया। न्यूली मैरिड थे, फाइनेंशियली भी हम लोग एस्टेब्लिश नहीं हो पाए थे, लेकिन एक बड़ी चुनौती थी हमारे सामने में। इस चुनौती के साथ साथ लकी के माता पिता को एक और चुनौती का भी सामना करना था जो समाज की तरफ से आने वाली थी। समाज हम लोगों को बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। ग्वालियर में रहते थे, कई विपरीत परिस्थितियों का हमने सामना किया, क्योंकि जब हम लोग वहाँ ग्वालियर में किराए के मकान में रहते थे तो लोग किराएदार जो भी हम जिसके मकान मालिक के घर में रहते थे उन लोग बोलते थे कि हमारी बेटी या बहू या पत्नी प्रेग्नेंट है, लकी जैसे बच्चे को देखेगी तो हमारे घर भी ऐसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा। जब आसपास के लोग अपने बच्चों का बर्थडे मनाते थे तो दूसरे बच्चे आके बोलते थे, अरे हंसी उड़ाते थे, इसका बर्थडे मना रहे हैं, ये तो केक भी नहीं काट सकता, ये तो ऐसा नहीं कर सकता। तो हम लोग को बहुत बुरा लगता था कि कैसे हम लोग उन लोगों को बच्चों को समझाएं कि ये स्पेशल चाइल्ड है। इस तरह से हम लोगों ने छोटे 2 बच्चों के साथ और लकी के साथ अपना जीवन बिताया। इन सब बातों ने लकी के माता पिता पर काफी गहरा असर डाला, लेकिन उनके पास एक रास्ता था और वो था प्रभु यीशु ख्रिस्त की ओर देखना। और हमारे पास में और कोई हमारे पास में कोई इलाज नहीं था, कुछ भी नहीं था कि हम लोग आगे क्या करेंगे।
लेकिन फिर भी बड़े धीरज से हम लोग दोनों प्रार्थना करते रहे। लकी के माता पिता ने परमेश्वर पर भरोसा किया और लकी के जीवन के लिए हमेशा धन्यवाद दिया। तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि ऐसे बच्चे की मैं माँ बनी और परमेश्वर ने मुझे चुना। जिस प्रकार से रोमियो में लिखा है कि क्लेश से धीरज उत्पन्न होता है और धीरज से खरा निकलना होता है और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है और वो आशा से कभी लज्जा नहीं होती, तो हमको ऐसा लगा कि ये वचन शायद परमेश्वर ने हमारे लिए ही लिखा था और हमारे जीवन में ये घटित भी हो रहा था कि हमारे जो क्लेश है और उससे हम उस धीरज को पा पा रहे हैं और हम उस धीरज को पाने के बाद खरे भी निकल रहे हैं और उस खरे निकलने के कारण हमारी आशा आज तक भी नहीं टूटी है और हमको इस लकी को ले जाने में कहीं लज्जा भी नहीं आ रही है। आज लकी अपने जीवन के 37 वर्ष पूरे कर चुका है और उसके दोनों भाई बहन भी डॉक्टर हैं। लकी के माता पिता आज हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उन्हें लकी जैसा बेटा मिला और उसकी सेवा करने का मौका मिला। रेनॉल्ड और अंजना जी, आपके साथ साथ हम भी परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आपके जीवन के लिए। आज आपके जीवन से बहुत सारे पेरेंट्स ने आशीष पाई और हम सब ने बहुत कुछ सीखा है। यस, बिल्कुल। और जिस तरह से आप निडर रहे हैं, आप प्रभु में मजबूत रहे हैं, इस जिम्मेदारी को इतनी बखूबी से समाज के विरुद्ध होकर आपने निभाया है, वाकई काबिले तारीफ है। और प्रभु आपको ऐसा ही अनुग्रह दे और आप सब, आपकी जो गवाही है वो हम सब के लिए एक मिसाल है। थैंक यू सो मच जी। बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगा जब रेनॉल्ड जी ने कहा कि उन्होंने अपनी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई, जहाँ बहुत कुछ विपरीत हो रहा था, जहाँ बहुत सारे चैलेंजेस थे, उन्होंने अपनी नज़रें प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाई। दोस्तों, ऐसी परिस्थितियों में हम भी ऐसा ही करें। बिल्कुल दोस्तों, हम सब ने शायद नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, इतिहास में दर्ज है। और फ्रांस के वो सुल्तान थे, एम्परर थे, लेकिन उनकी शुरुआत हुई एज ए मिलिट्री लीडर। आज भी उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है एज ए मिलिट्री कमांडर। एक कहानी उनके साथ जुड़ी हुई है। तो एक समय था जब वो युवा फ्रेंच युवाओं को वो रिक्रूट कर रहे थे, भर्ती कर रहे थे अपनी सेना में, और प्रशिक्षण चल रहा था। और उनमें से एक युवा था जिससे एक गुस्ताखी हो गई, गलती हो गई। और जब खबर मिली नेपोलियन को, तो उसने कहा कि उस युवा को उस कैंप से निकाल दो, उसे घर भेज दो, वो सैनिक होने की योग्य नहीं है। अब वो युवा का बचपन ही से सपना था कि वो सेना में भर्ती हो और एक सैनिक बने और अपनी देश की सेवा करे। तो जब उसे ये खबर मिली तो वो बहुत निराश हो गया, उसका दिल टूट गया, वो घर गया और वो रोने लगा। उसकी माँ उसके पास आई, उसने देखा उसके हाल को और उसने पूछा कि क्या हुआ। बच्चे ने पूरी कहानी बताई। अगले दिन सुबह सुबह वो माँ जो है वो नेपोलियन से मिलने आई। जब नेपोलियन को पता चला कि जिसे उसने बर्खास्त किया है उसकी माँ उसे मिलने आई है, उसने कहा उन्हें रोक के रखो, मुझे मिलना नहीं है उनसे। वो सुबह से लेकर शाम तक कड़कती धूप में वो वहाँ पर छावनी के बाहर ही खड़ी रही। आखिर नेपोलियन को उन पर तरस आया तो उसने कहा उनसे जाकर के, आप क्यों आए हैं मुझसे मिलने के लिए। माँ ने कहा कि मेरे बेटे से गलती हो गई और मैं चाहती हूँ कि आप उन्हें दया दिखाएं और उन्हें क्षमा करें। जिस पर नेपोलियन बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हारा बेटा जो है वो दया के योग्य नहीं है। अब उस माँ का जवाब सुनिए जिसने नेपोलियन के मन को बदल दिया और उस बेटे को उसने दोबारा भर्ती किया। माँ ने बहुत सरल शब्दों में कहा, सर अगर वो योग्य होता तो उसे दया की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो अयोग्य है इसलिए उसे दया दिखाइएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है ना कि हम कई सारी चीजें, कई जिम्मेदारियां हम पर आ जाती है जिन्हें हमें लगता है हम काबिल नहीं है, और हम क्या करें ऐसे में, कैसे इन चीजों को पूरा करें, क्या करें कि जो जिम्मेदारी प्रभु ने हमें दी है उसको हम निभा सके। आज बहुत ही डेलिकेट, बहुत ही नाजुक टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं। उन माँ बाप से हम रूबरू हो रहे हैं जो स्पेशल चिल्ड्रन के माँ बाप है। आपके लिए आसान नहीं होगा, आपने दुआओं में ये मांगा नहीं, लेकिन आज प्रभु ने आपको ये झोली में दिया है। और इसके साथ साथ दोस्तों, परमेश्वर ने आपको वो अनुग्रह दिया है, वो दया दी है, वो करुणा दी है कि आप
प्रभु ने आपको खास चुना है कि आप अपने ताकत में नहीं, अपने बल में नहीं, लेकिन प्रभु के ताकत से आप ये मुमकिन कर पाएंगे, आप उनकी परवरिश कर पाएंगे। एक खूबसूरत वचन है फिलिपियों के 4:13 में जो हमें प्रोत्साहित करता है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। फिलिपियंस चैप्टर 4:13, फिलिपियों का 4:13 कहता है, जो मुझे बल प्रदान करता है उसकी सहायता से मैं सब कुछ कर सकता हूं। कितना खूबसूरत वचन है ना दोस्तों, जो मुझे बल प्रदान करता है, परमेश्वर है जो आपको बल प्रदान करता है और उसकी सहायता से, उसकी मदद से आप हर चीज कर पाएंगे। तो जो बुलाहट आपके ऊपर है दोस्तों, ये एक बुलाहट है उस बच्चे की देखभाल करने की, और परमेश्वर के बल से, परमेश्वर की सहायता से ये आप यकीनन कर पाएंगे। जी बिल्कुल दोस्तों, हमारी यही प्रार्थना है कि आप जानेंगे कि ये एक बुलाहट है और परमेश्वर के बल में, परमेश्वर के अनुग्रह से आप ज़रूर उस बच्चे की अच्छी देखभाल कर पाएंगे। और हम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे, अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारा नंबर है 9910401010। साथ ही इस देखभाल के दौरान और इन चैलेंजेस के दौरान अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमें हमसे संपर्क करें। आप काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर और हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffers। ऐसा ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। आप समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो एक और प्रेरणा से भरी कहानी को हम देखने वाले हैं, आपके लिए लाने वाले हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। एक नई जिंदगी के सालगिरह के मौके पर हम एक नया कदम ले रहे हैं आपके प्रिय कार्यक्रम को और लोकप्रिय बनाने के लिए। एक नई जिंदगी में अब होगा देश के कोने कोने से रीजनल कंटेंट। हर बुधवार देखिए क्षेत्रीय भाषाओं के गीत, सच्ची कहानियाँ और उस क्षेत्र पर फोकस। तो 9 लड़कियों से हमने शुरू किया था, आज करगिल की लड़कियों को पीछा करना, मात करना भी मुश्किल हो गया है। मेरे बाप को बोलियों में जाके को भैया तेल से मेरे को अति शांति मिल गई, तो जड़ में दुआ हो तो बड़े जाऊं तो मेरी पूरी भी हमारी कट सके। अब हमारा चूल्हा जल गया है और केक बनाने से पहले हम तवे को इस चूल्हे पर रखेंगे और इस तवे के ऊपर हम रेत डाल देंगे। ये गरम रेत अवन के सेक का काम करेगी। अब हम अपनी पतीली को उठाकर इसके ऊपर रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। तो बने रहिए एक नई जिंदगी के साथ कलर्स टीवी पर 6:30 और साथ ही इसे आप CBN इंडिया YouTube पर भी देख सकते हैं। दोस्तों ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे विशेष बच्चों के माँ बाप मानसिक रूप में मजबूती पा सकते हैं ताकि वो अपने बच्चों की सही तरह से परवरिश कर पाए। जी, और आपने बहुत खूबसूरती से हमें ब्रेक से पहले आपने हमें समझाया कि किस तरह परमेश्वर के वचनों से हमें स्ट्रेंथ मिलता है। जब परमेश्वर के वचनों में हम पढ़ते हैं दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं और इनकी सच्चाई को जब हम समझते हैं तो हमें वो सामर्थ्य मिलता है अपने मन में कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशन का भी सामना कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा रहेगा आपने दोस्तों। यकीन मानिए, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम अपने बल से कर पाते हैं। परमेश्वर ने हमको बल दिया है, हम सब मजबूत है, इमोशनली स्ट्रांग है, कोई फिजिकली स्ट्रांग है, मेंटली स्ट्रांग है, लेकिन हम सब इंसान होने के नाते कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हैं, और ऐसे कमज़ोरी में परमेश्वर हमारा बल बनता है। शास्त्र कहता है कि परमेश्वर हमारा सहायक है, वो हमेशा तत्पर तैयार है हमारी मदद करने के लिए। दोस्तों हमारी यही प्रार्थना है कि आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम के द्वारा आप भी परमेश्वर से अपनी मदद पाएंगे। आइए इस समय हम देखें एक और बहुत ही खूबसूरत और इंकरेजिंग स्टोरी, और आज हम मिलने जा रहे हैं मौशमी और जयदीप रॉबिन्सन से। उनके जीवन में एक भयानक तूफान आया जब उनके बेटे के साथ एक बहुत ही बुरा हादसा हो गया। आइए देखते हैं कि इस जीवन और मौत के संघर्ष का सामना उन्होंने कैसे किया और कैसे उन्होंने इस परिस्थिति पर विजय पाई।
आइए देखते हैं इनकी बहुत ही खूबसूरत और इनकरेजिंग स्टोरी। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने बच्चों को काबिल और नेक राह पर चलाएं। कुछ ऐसा ही सपना मौशमी और जयदीप ने भी अपने बेटे राहुल के लिए देखा था। लेकिन एक समय आया कि राहुल अपनी पढ़ाई तो कर रहा था पर गलत संगति में भी पड़ गया और जिसके कारण वो एडिक्शन में गया और परिवार से भी दूर होने लगा। फिर एक दिन ऐसा हुआ जिसकी कल्पना भी राहुल के माता पिता ने नहीं की थी। जब एक फोन की घंटी बजी और मेरे पति उठकर सिर्फ एक शब्द बोले कि राहुल की बॉडी आई है और उसके बाद वो कुछ भी नहीं बोले और नर्वस हो गए क्योंकि हम आप समझ सकते हैं कि उस समय हम कितने मेंटली डिप्रेशन में थे। फोन हमारे हॉस्पिटल से आया था और जिसके कारण हम लोगों बहुत टेंशन में थे और उसी तरह से हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में जाने के बाद जब राहुल को देखकर हम पहचान नहीं पा रहे थे कि ये राहुल है, पर उसने एक अपने हाथ पे टैटू बनाया हुआ था राहुल नाम से, उसे पहचानते हुए हम लोगों ने समझा कि ये राहुल है। और उस वक्त मेरे पति जयदीप रॉबिन्सन की हालत बहुत ख़राब थी और वो एकदम डिप्रेस्ड हो गए थे और बाहर जाकर सीढ़ी में बैठ गया। इस समय में मौशमी ने अपने आप को संभाला और दिमागी तौर पर अपने को मजबूत किया ताकि वो राहुल और अपने पति जयदीप दोनों को संभाल सके। परमेश्वर ने मुझे इतनी सामर्थ्य दी कि मैं वहाँ पर स्ट्रांग हुई, जहाँ उन्हें स्ट्रांग होना था वहाँ मैं एज ए मदर स्ट्रांग हो गई और संभालने के लिए खड़ी हो गई। बड़े अस्पताल में लेकर गए तो वहाँ भी डॉक्टरों ने कहा कि 1% ही उम्मीद है, अब उसके बाद आप लोग अपनी दुआएं कीजिए। और सच में परमेश्वर ने वहाँ प्रार्थना के सामर्थ्य से जो कुछ भी दिया उसने दिया और उसने लिया। यही एक पद मुझे याद आता था और यही विश्वास के साथ मैं खड़ी थी। राहुल को डॉक्टर्स की टीम ने वेंटिलेटर पर शिफ्ट किया और अब जो मौशमी के हाथ में था वो था परमेश्वर पर पूरी तरह से विश्वास करना। आसान नहीं था अपने बेटे को इस कंडीशन में देखने के लिए, पर परमेश्वर पिता ने इतनी सामर्थ दिया। वो एक परीक्षा थी हमारे लिए, जिस तरह से अयूब ने अपने परिवार को खोया पर परमेश्वर पर विश्वास रखा, वैसे ही हम लोगों ने भी विश्वास के साथ वहाँ पर राहुल को पाया। बहुत से प्रभु के दास वहाँ आते थे जाते थे, प्रेयर करते थे और उस प्रेयर में एक दास था, प्रभु का दास, हम भी उसे नहीं जानते थे, उसने प्रेयर किया और उसने सिर्फ एक शब्द मुझसे बोला मेरे पास आकर कि बेटी तुम्हारी विश्वास ने तुम्हारी बेटी को परमेश्वर वापस करेगा। मौशमी के विश्वास की प्रार्थना का परमेश्वर ने उत्तर दिया और राहुल को डॉक्टर्स ने नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट किया। राहुल को जब वार्ड में शिफ्ट किया गया, डॉक्टर ने जब बोला और मैं विश्वास के साथ रोने लगी कि परमेश्वर सचमुच आप बहुत बड़े मिरेकल्स करते हैं। विश्वास जहाँ रहता है ईश्वर वहाँ रहता है। ईश्वर ने उसे सामर्थ्य के साथ छुआ। आज राहुल बिल्कुल स्वस्थ है और अपने पुराने जीवन को छोड़कर नए जीवन की शुरुआत कर रहा है। वो आज बाइबल ट्रेनिंग ले रहा है और एक प्रभु का दास बनने जा रहा है। ये परमेश्वर पिता का धन्यवाद है कि उसे उसने खड़ा किया है और उसे ये सब चीजों को सिखाया है। मैं धन्यवाद देती हूँ। मौशमी एंड जयदीप जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर स्टोरी ऑफ विक्ट्री विद अस। आपने परमेश्वर की मदद से इतनी मुश्किल परिस्थिति पर, इतनी चैलेंजेस पर आपने विक्ट्री पाई एंड वी थैंक गॉड। एंड वी थैंक गॉड फॉर राहुल और कैसे वो आज परमेश्वर से प्रेम करते हैं एंड गॉड इज़ यूजिंग हिम एंड गॉड विल ब्लेस हिम इन द डेज टू कम। दोस्तों, साथ ही अगर आप अपने चैलेंजेस के बीच में काउंसलिंग चाहते हैं, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, अगर आप काउंसलिंग स्लॉट बुक करना चाहते हैं अपने लिए, तो आप ज़रूर हमारे वेबसाइट पर जाएं। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/cbnspecialoffice, जहां जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए भी फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों, अब समय छोटे से ब्रेक का। जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम प्रार्थना करने वाले हैं, खासकर उन माँ बाप के लिए जिनके विशेष बच्चे हैं। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। गाइस, सुपरबुक इज बैक विद द एनुअल फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर के कॉस्ट्यूम के साथ तैयार हो जाइए।
you can upload your video and you also get bonus points for Bible verses in your regional language. Register karne ke liye log on kariye cbnindia.org, fill in the form and upload your video. Winners ko milega Superbook gift hamper and a special video message from Gizmo. Register now. The last day to register is the 24th of November. We are eagerly waiting for your creative and amazing videos for this competition. Can't wait to see you all. Bye. वेलकम बैक दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम जान रहे हैं कि जब हम स्पेशल बच्चों की देखभाल करते हैं एज पेरेंट्स, अपने मेंटल हेल्थ में हम बहुत सारी मुश्किलों का सामना करते हैं एंड इट्स नॉट ईजी. तो आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम परमेश्वर से मदद पा रहे हैं और जान रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की मदद से हम मेंटली स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं और अपने बच्चों की अच्छी परवरिश कर सकते हैं. तो दोस्तों, इस समय हम प्रार्थना करने वाले हैं. हम जानते हैं प्रार्थना में सामर्थ है और जब हम परमेश्वर पर प्रार्थना करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु हमें तेरी ज़रूरत है, तू हमें मदद कर, तुझ पर हम निर्भर होते हैं. तो आइए इस समय हम प्रार्थना करें, खासकर उन माता पिता के लिए जिनके बच्चे विशेष हैं. आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं. स्वर्ग पिता, हम धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कि हर अच्छी और भली चीज़ वस्तु तेरी ओर से आती है प्रभु, बच्चे तेरी ओर से तोहफा है. हम उन माँ बाप के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्हें विशेष बच्चे तोहफे में मिले हैं. हम जानते हैं प्रभु उनके लिए आसान नहीं है, एक कठिन पथ है, कठिन रास्ता है जिससे जिस पर चलने के लिए तूने उन्हें बुलाया है. लेकिन हम ये भी जानते हैं प्रभु कि उस रास्ते पर तेरे पदचिन्ह है, तेरे फुटप्रिंट्स है, तू उनके साथ है प्रभु, तू उन्हें छोड़ेगा नहीं, तू उन्हें त्यागेगा नहीं. तेरा अनुग्रह उनके लिए काफी है, तेरा बल, तेरा सामर्थ उनके साथ है प्रभु, तू उनके हाथों को थामा है उनकी जरूरतों में प्रभु, तू उनके हर जरूरत को पूरा करने का वादा करता है. आज हम प्रार्थना करते हैं सामर्थ के लिए प्रभु, बल के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, करुणा के लिए, उन माँ बाप के लिए जो चुनौतियों से गुजर रहे हैं, जिनके लिए ये आसान नहीं रहा है, उन्हें प्रभु तेरे साथ होने का एहसास दिला. ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमेन, आमेन, आमेन. दोस्तों, आप जानिए कि प्रभु आपके साथ है, वो इमैनुअल परमेश्वर है जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा. जी बिल्कुल दोस्तों, हमारा परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा. अपने वचनों के द्वारा वो हमसे बातचीत करता है और आइए देखें आज परमेश्वर का जीवित वचन हमें क्या इंकरेजमेंट दे रहा है. तो आइए हम भी पॉलस के साथ कहें, दैट आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हु स्ट्रेंथेंस मी. हम आपसे कहना चाहते हैं कि परमेश्वर आपके साथ भी है, आपके पास भी एक गवाही होने वाली है. परमेश्वर पर नजरें लगाए रखें और परमेश्वर पर भरोसा रखें. जी बिल्कुल, जब आप अपने स्पेशल बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, याद रखें आपकी देखभाल परमेश्वर कर रहा है, ही इज विद यू. और इसी के साथ दोस्तों, हम लेंगे आपसे इजाजत. आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम ने आपको इंकरेज किया है. कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे और एक और नई कुछ टॉपिक के साथ हम कुछ नया सीखेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में. सो फ्रेंड्स, डू जॉइन अस टुमारो एंड अंटिल देन ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे. गॉड ब्लेस यू. नमस्कार दोस्तों.